हेलो दोस्तों, जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि आज रोटेशनल मैकेनिक्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे एक इस क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन आपको दिखाना है, जो कि मैंने अपने सर से सीखा था। मैं सोचा कि आपसे शेयर कर दूँ। इसमें क्या है, मेनली खेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि एक्सिस के अबाउट ये जो फार्मूला आप लोग क्या गंदा सा फार्मूला होता है 1/3 ml² sin² थीटा होता है, उस वो भी होना चाहिए कि ये जो रॉड है वो इससे थीटा एंगल बनाए। तो यहाँ पे एक रॉड है, दो रॉड है, तीन रॉड है, चार रॉड है। ये क्वेश्चन काफ़ी कम्प्लेक्स होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में ही, जो कि ये बहुत ही JEE में टाइम भी बहुत मैटर करता है। तो हम किस अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे मैटर करने लगता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, फिर इसका निकालें, फिर इसके लिए अलग एक्सिस थ्योरम यूज़ करें, तब जाके ये प्रॉब्लम बने सेंटर ऑफ मास से। ये मतलब क्वेश्चन हम देख सकते हैं बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं जगह विजुअलाइजेशन यहाँ पर लगा के इस क्वेश्चन को बहुत ईजी करके आपको सोल्यूशन इसका दिखाने वाला हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं क्या होता है कि मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये एक रॉड है, हम क्या बोलते हैं कि ये जो रॉड है यहां से थीटा एंगल बनाता है, इसका लेंथ एल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं कि आपका होगा 1/3 ml² sin² थीटा। ये याद करते हैं कि रॉड इससे थीटा एंगल बनाना चाहिए वर्टिकल एक्सिस से, तब जाके मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² sin² थीटा होगा। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बहुत ईजी तरीके से सोल्व करूंगा। इस रॉड को आप कट कर दीजिए छोटा छोटा पीसेस में, इस छोटा 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 कट करके एक नीचे प्लेट रख दे या कुछ भी स्क्वायर सीट रख दे। ये रॉड क्या होगा, कट के गिरेगा तब ये एक इस फॉर्म में गिर जाएगा। जब किसी भी चीज़ ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है, जब हम इसको काटेंगे 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 तो ये इसी लेंथ में पूरा गिर के एक वर्टिकल स्टिक की तरह सज जाएगा। तो इसको जब हम काट के इस प्लेट में गिरा देंगे तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये एल साइन थीटा इसका लेंथ हो जाएगा। बिल्कुल एल साइन थीटा अब इसका लेंथ हो गया। तो अब हम इसको भूल जाएंगे ये क्या था, अब इसको काट के हम प्लेट में गिरा दिए तो हमको दिख रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ एल एल साइन थीटा है, और इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रॉड के एंड से क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/3 ml² पर यहाँ पे एल क्या है आपका, 1/3 ml यहाँ पे क्या है, तो एल एल साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1/3 ml² sin² थीटा। बिल्कुल ईजी था, ऐसा ही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसमें बस ये विजुअलाइजेशन हमको दिखाना था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ये एक रॉड है ऐसे ऐसे सिस्टम करके। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे इसको काटें, इसको भी हम काट देंगे, पूरा क्यों काट देंगे, इधर भी काट देंगे। जब हम काट के ये विजुअलाइज करेंगे तो मेरा क्या बनेगा कि ये एक रॉड है, पहला रॉड को काटे तब ये बना, फिर दूसरा इस रॉड को काटे तो ये बना, फिर तीसरा इस रॉड को काटे तो ये बना, फिर चौथा इस रॉड को काटे तो ये बना। मैं देख सकता हूँ कि इस पूरे रॉड को काट के एक वर्टिकल सिंगल रॉड में बदल दिया। अब मैं इसको भूल जा रहा हूँ, अब मेरे पास सिस्टम ये है जिसका, इसका लेंथ कितना है तो ए एल cos 30, इसका लेंथ कितना एल cos 30, इसका एम मास है, इसका भी एम मास है, इसका भी एम मास है, इसका भी एम मास है, और एल cos 30 इसका भी लेंथ और इसका भी एल cos 30 लेंथ, और मेरा एक्सिस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, इस एक्सिस है। तो अब मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। इसमें क्या हुआ कि अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है 2L cos 30 और उसका मास है 4m, और लेंथ मतलब 2L cos 30 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 2L cos 30 √3/2, ये 2 से गया मतलब √3L, मतलब हम कह सकते हैं कि एक रॉड है जिसका लेंथ एल डैश कितना है √3L है और मास कितना है 4m, और हमको इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसका निकालना है। तो किसी रॉड के एंड से वर्टिकल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये होता है आपका 1/3 ml². अब मेरा 1/3 ms क्या है, यहाँ पे मेरा 4m है, मेरा ls क्या है √3L² है। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 1/3 4m × 3L² 3 से 3 गया 4ml², मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया इस पूरे सिस्टम का 4ml². मेनली इस क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की खेलते। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इस एक्सिस का लेते हैं, इसका थीटा, फिर इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, क्या क्या बहुत गंदा ही क्वेश्चन हो जाता है, बहुत गंदा, बहुत समय भी लगता।
इसलिए हम एक मैं चाह रहा था कि ये वेजुलेशन बताऊं, क्योंकि रॉड वाला क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते ही हर केस में, या फिर आपको डायनेमिक में इसको यूज़ कर दें, रोटेशन में यूज़ कर दें, कोई अच्छा डायनेमिक का क्वेश्चन में यूज़ कर दें, मतलब वहाँ अगर इनर्शिया कोई भी क्वेश्चन अगर नेट टी टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा होता है तो वहाँ आई क्यूएम को जरूरत पड़ती है। तो इस पूरा सिस्टम को अगर किस तरह ऐसे तरह का क्वेश्चन आए तो हम विजुलेशन करके बहुत आसानी से आई निकाल सकते हैं। मेनली मुझे ये दिखाना था, आई यहाँ पर निकल गया। क्वेश्चन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोग सबको पता होगा क्या होता है, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। आई कितना है, जितना मेरा आई है यहाँ पे पुट कर दो, 4ml स्क्वायर अपॉन एम कितना है, एम ये हो गया, एम से एम खत्म हो गया। पर यहाँ पे मेरा, हाँ ये चीज़ देखना बहुत अच्छी, यहाँ पे आई जो आया मेरा ये है, पर एम जो मेरा, एम वो सिस्टम का मास है, तो सिस्टम का मास क्या मेरा 4m है, तो उस पूरा सिस्टम को ये 4m से 4m गया, तो ये मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन एल आ गया। सिंपल, अंडर रूट आई अपॉन, जैसे ये क्या होता है कि एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। तो यहाँ जो एम है पूरा सिस्टम का मास है ना, तो इसलिए हम मेरा इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4ml स्क्वायर आया, तो यहाँ पे लिखे 4ml स्क्वायर बटा, लेकिन मास में हम 4m लिखेंगे, 4m से 4m, तो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन एल आ गया, ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस इज 16ml स्क्वायर। अब बोल रहा है कि नेट टॉर्क मेरा कितना है, 16ml स्क्वायर है, देन फाइंड द अल्फा ऑफ द सिस्टम। ये तो बहुत सिंपल, ये तो बस ये कि हम ये जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। नेट टॉर्क कितना दिया है, 16ml स्क्वायर, आई कितना दिया है मेरा 4ml स्क्वायर, मतलब हम ये फाइंड किए, इंटू अल्फा, अल्फा मेरा कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस मुझे अपना एक विजुलेशन दिखाना था इसलिए। अब जैसे एक और है विजुलेशन, इसमें क्या कि हम डिस्क का जैसे होता है क्या कि हम बोल सकते हैं कि एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क का, और सिलेंडर का भी क्या होता है, छोटे छोटे सिलेंडर को अगर हम जोड़ते जाए तो ये क्या होता है, एक सिलेंडर बन जाता है, तो इस सिलेंडर का भी वही होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, वही हम बस मेनली इसमें मुझे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का विजुलाइजेशन दिखाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। सो गाइस थैंक्स फॉर डैट।